लोकसभा चुनाव मुहाने पर है, जिसके लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस हर एक पार्टी पूरी कोशिश कर रही है ताकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से बाजी मार सके। और खास करके बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसके लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी शासित राज्यों में लगातार सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके बैठक कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बुरी खबर सामने आ रही है, जिससे बीजेपी को झटका लग सकता है। बता दें, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने पार्टी का दामन छोड़ने का मन बना लिया है। सैनी ने कहा है कि लोकतंत्र के बचाव के लिए उन्होंने पार्टी का निर्माण किया है। 2 सितंबर को सांसद राजकुमार सैनी अपनी नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। सैनी ने इसके लिए 6 माह तक सर्वे करवाया और जनता के सर्वे और जवाब के मुताबिक ही पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। खैर, अब देखना ये होगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक और नई पार्टी आ करके लोकतंत्र में, समाज में और हिंदुस्तान में क्या बदलाव करती है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।